हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल फिल्म बेस्ट। तो गाइज, आज की जो वीडियो होगा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे एग्जाम के अंदर कैसे हम लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। बेसिकली हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके थे कि कैसे आप लोग एग्जाम को इंस्टॉल कर सकते हो और कैसे हम लोग PHP जो कोर्स करेंगे, हम लोग एग्जाम को यूज़ करके सारी की सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो ये वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोग कैसे एग्जाम के अंदर आप लोग की वर्डप्रेस साइट को कम्प्लीटली इंस्टॉल कर सकते हो। कम्प्लीट प्रोसेस मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो वीडियो को फास्ट से लेकर लास्ट तक जरूर देखो। कोई भी अगर स्टेप मिस करोगी, एरर वगैरह आ सकती है, तो वीडियो को कम्प्लीटली देखो, आप लोगों को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करी है तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना, क्योंकि हम लोग आपके लिए हर दिन एक इंटरेस्टिंग और जेन्युइन कंटेंट लेके आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइस, अगर आप जाम को यूज करके आप लोग देखो, लोकल होस्ट के अंदर मैंने मेरी जो साइट यहाँ पे बिल्ड करी है और यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करी है, जो भी चीज़ करना चाहोगी यहाँ पे आप लोग बेसिकली कर सकते हो लोकल होस्ट के अंदर। यहाँ पे आप लोग की कोई भी नेटवर्क ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपनी लोकल होस्ट के अंदर ये सारी की सारी एक्सेस कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को इंटरनेट की कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली हम लोग अभी क्या करेंगे, एग्जाम के अंदर अगर आप लोग वर्डप्रेस साइट को इंस्टॉल करोगे तो आप लोग कैसे कर सकते हो और उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट सीखेंगे। तो सिंपल, पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, तो गाइस पहले हम लोग ये करेंगे, हम लोग पहले वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद सारी की सारी स्टेप कंप्लीट करेंगे। तो सिंपल, पहले हम लोग wordpress.org के अंदर आएंगे और आने के बाद यहाँ पे गेट वर्डप्रेस के अंदर आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही गेट वर्डप्रेस के अंदर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप लोग को डाउनलोड वर्डप्रेस 5.5.3, ये जो है लेटेस्ट वर्जन है, आप लोगों को सिंपल उसे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जैसे ही डाउनलोड करोगे तो आपके सामने इस तरह की जो फाइल है ना, ये जो जीप फाइल में आप लोग को वर्डप्रेस मिल जाएगी। तो गाइस, पिछले वीडियो के अंदर मैंने जो आपको एग्जाम के बारे में बताया था, उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि कैसे आप एग्जाम को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, कम्प्लीटली प्रोसेस मैंने बताया था आपको, और इस वीडियो के अंदर वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग चलेंगे सर्च बॉक्स के अंदर और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे जाम्प। यहाँ पे हम लोग जाम सर्च करोगी, जैसे ही सर्च करोगे यहाँ पे ओपन आप लोग को देखने को मिलेगी। सिंपल ओपन के ऊपर क्लिक करो और जैसे ही ओपन के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये आप रही जाम की जो फाइल यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगी। सिंपल, ये जो इंटरफेस मैंने आप लोग को पहले वीडियो के अंदर बताया था, कम्प्लीटली प्रोसेस यहाँ तक मैंने बताया था, अभी यहीं से हम लोग जो कि बाकी की जो चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ इस पेज के अंदर आने के बाद ना आपको सिंपल जाना पड़ेगा, यहाँ पे सर्च करो, सर्च बार के अंदर सर्च करो जाम। ओके, जैसे सर्च करोगे यहाँ पे फाइल लोकेशन, ओपन फाइल लोकेशन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। सिंपल ओपन फाइल लोकेशन के ऊपर क्लिक कर सकते हो। ओके, नहीं तो और एक शॉर्टकट मेथड मैं आपको बताता हूँ, आपको सिंपल जाम के अंदर जाना पड़ेगा। जैसे ही जाम के अंदर जाओगी यहाँ पे एक्सप्लोर देखने में आपको आप लोग को मिलेगी। सिंपल इस एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करो। जैसे ही एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगी सारी की सारी फाइल, यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगी जो जाम की फाइल होगा। और यहाँ पे आप लोग को सिंपल देखने को मिलेगी htdoc फाइल को आप लोग को ओपन करना पड़ेगा। तो जैसे ही ओपन करोगे यहाँ पे आप लोग की सारी फाइल यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगी। सिंपल यहाँ पे मैंने एक फाइल यहाँ पे ऐड करा था, ये फाइल को छोड़ के जो भी फाइल होगा आपको आपकी जो एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी। ओके, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आप लोग को एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। तो सिंपल यहाँ पे आप लोग राइट क्लिक करो और यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट करो, और फोल्डर के अंदर आप लोग यहाँ पे आपकी नाम लिख सकते हो, आपकी वेबसाइट की नेम, जो भी नाम यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, फाइल की नेम या फोल्डर की नेम ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो वेरी इजीली। तो सिंपल यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे लाइव डेमो। हम लोगों ने अभी डेमो कर रहे हैं, ये कंप्लीट साइट में आप लोग को बताऊंगा जरूर। यहाँ पे हम लोग डेमो के लिए, आप लोगों को ट्यूटोरियल के लिए बता रहा हूँ, तो आप लोग आपके हिसाब से यहाँ पे नेम वगैरह ऐड कर सकते हो। तो जैसे ही लाइव डेमो मैंने यहाँ पे ऐड करा, सिंपल उसके अंदर मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद हम लोगों ने अभी जो वर्डप्रेस को डाउनलोड करा था वही सेम वर्डप्रेस को मैं यहाँ पे
कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ओके, ये रही हमारा वर्डप्रेस। और अब भी आप लोग को क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर राइट क्लिक करना पड़ेगा और एक्सट्रैक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करो। तो जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आप लोग का जो फाइल होगा ना, वर्डप्रेस की जो फाइल होगा, आप लोग को सिंपल उसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो वर्डप्रेस था ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है। सो सिंपल ये जो जीप फोल्डर होगा आप उसे डिलीट कर सकते हो, अब उसकी कोई भी काम नहीं। तो सिंपल अभी वर्डप्रेस 5.5.3 के ऊपर क्लिक करो, डबल क्लिक करो और वर्डप्रेस और जितने भी फोल्डर है आप उसे कॉपी करो। कॉपी करने के बाद उसे कट करो और अभी पीछे आ जाना पड़ेगा आपको और यहाँ पे सिंपल जो है ना पेस्ट कर देना पड़ेगा। ओके, तो जैसे ही पेस्ट करोगे आप लोगों को ये जो वर्डप्रेस 5.5.3 जो देखने को मिलती है ना, उसे सिंपल डिलीट कर दो क्योंकि उसके अंदर अभी कुछ भी नहीं बची है। हम लोगों ने सारी की सारी जो फाइल्स वगैरह था ना, हम लोगों ने यहाँ पे उसे लाके यहाँ पे पेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपकी जो जाम्प के अंदर जाना पड़ेगा। जैसे जाम्प के अंदर जाऊंगी यहाँ पे अपाचे और माई एसक्यूएल को अभी ऑन कर दो। ओके, अभी हम लोगों ने ऑन कर दिया और मिनिमाइज आप लोग कर सकते हो उसे। ओके, अभी हम लोग को जाना पड़ेगा क्रोम ब्राउजर के अंदर। अभी आप लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लोकल होस्ट PHP माई एडमिन को सर्च करना पड़ेगा। तो जैसे सर्च करोगे ना ये आपकी ब्राउजर के अंदर ओपन हो जाएगा। अगर ये ओपन नहीं होती है ना तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोग का उसका जो प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आप लोग को बता दूंगा। ये बेसिकली ये ऑन है, अगर ये ऑन नहीं होगा तो आपकी जो लोकल सर्वर है ना ये ओपन नहीं होगा। ओके, ये आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई एरर वगैरह आती है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आप लोग की एरर को सॉल्व करूंगा। ओके, क्योंकि मुझे भी कुछ एरर आया था, तो जो भी एरर आएगा तो अगर आप लोग को एरर आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसे सॉर्ट आउट जरूर कर दूंगा। ओके, तो सिंपल इस PHP माई एडमिन के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी डाटाबेस। सिंपल इस डाटाबेस के ऊपर क्लिक करो। तो जैसे ही डाटाबेस के ऊपर क्लिक करोगी तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे फाइल्स वगैरह देखने को मिलेगी। तो सिंपल ये जो दो फाइल है ना मैं खुद बनाई हुई हूँ, तो आप लोग ये दो फाइल को छोड़ के जो भी फाइल होगा आप लोगों को देखने को मिलेगी आपकी जो PHP माई एडमिन के अंदर। सिंपल यहाँ पे डाटाबेस नेम यहाँ पे आप लोग को एक ऐड करना पड़ेगा, आपके मुताबिक जो भी डाटाबेस के नेम आप ऐड करना चाहो तब इजीली ऐड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं यहाँ पे लाइव, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ लाइव साइट और यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ माई साइट। ओके, मैंने ऐड करा और जैसे ऐड करा यहाँ पे क्रिएट की ऑप्शन देखने को मिलेगी। सिंपल इस क्रिएट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही क्रिएट के ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपकी जो एक फाइल होगा ना, आपकी जो डाटाबेस होगा एक क्रिएट हो जाएगी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो माई साइट करके। ओके, तो सिंपल आप अभी क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा इसके अंदर। ओके, जो कि हम लोगों ने वर्डप्रेस को यहाँ पे इंस्टॉल करा था। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, अभी मैं उसे कॉट करता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने लाइव डेमो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो हमने अभी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करा था उसके ऊपर क्लिक करोगी। तो जैसे ही क्लिक करोगी यहाँ पे आप लोगों को एक देखने को मिलेगी wp-config-simple.php। ये जो फाइल आप लोगों को देखने को मिलेगी ना सिंपल, उसके ऊपर आप राइट क्लिक करो और रीनेम के ऊपर क्लिक करो। और ये जो सिंपल यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलती है ना, इस सिंपल को आप लोगों को सिंपल डिलीट करना पड़ेगा। तो जैसे ही डिलीट करोगी उसके बाद उसे सेव करो। ओके, ये सेव हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे ये जो उसके ऊपर डबल क्लिक करोगी तो आपकी जो ब्राउजर होगी, आपकी जो मतलब एडिटर होगा ना, उस एडिटर के अंदर ये ओपन हो जाएगा बेसिकली। देखो अगर एडिटर के अंदर बेसिकली ओपन नहीं होता ना, तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर राइट क्लिक करो। तो जैसे ही राइट क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आप लोग ओपन विथ देखने को मिलेगी। मैं ऑलरेडी बताया था कि आप लोग को विजुअल स्टूडियो कोड की ज़रूरत पड़ेगी, तो बेसिकली अगर चाहो तो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आप उसे ओपन कर सकते हो, नहीं तो नोट पैड जो अभी आप लोग के पास एडिटर है उस एडिटर के अंदर आप लोग उसे ओपन कर सकते हो बेसिकली। तो सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करना पड़ेगा और ओपन विथ और यहाँ पे नोट पैड विजुअल स्टूडियो जो भी
एडिटर होगा, यहाँ पे आप लोग को 100 कराया जाएगा, तो आप लोग उसे चूज कर सकते हो। तो मेरे केस में यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो कोड को यहाँ पे ओपन करी हूँ, और उसके बाद आप लोग को सिंपल नीचे आना पड़ेगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे डाटा बेस नेम यहाँ पे आप लोग को ऐड करना पड़ेगा। जो भी डाटा बेस नेम आप लोगों ने ऐड करा था, वही सेम डाटा बेस नेम को यहाँ पे ऐड करोगे, जो कि हमने ऐड करा था लाइव डेमो, लाइव डेमो। ओके, और यहाँ पे यूजर नेम आप लोग को हर बार याद रखना पड़ेगा, यूजर नेम आप लोग ऑलवेज रूट यहाँ पे रखो। और जो यहाँ पे पासवर्ड हियर यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा आपको, कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ेगा, सिंपल उसे पासवर्ड हियर को यहाँ पे डिलीट करो, उसके बाद यहाँ पे आप लोग सेव करो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप उसे डिलीट भी मतलब कट करो, और कट करने के बाद ना आप लोग सिंपल जाओ क्रोम के अंदर। ओके, अभी आप लोग को सिंपल क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे आप लोग ऐड करोगे लोकल होस्ट स्लैश लाइव डेमो, इससे आप लोग कॉपी कर सकते हो। ओके, कॉपी कर सकते हो, और यहाँ पे आप लोग की क्रोम के अंदर आके ये जो लोकल होस्ट के बाद उसे पेस्ट कर सकते हो, और उसके बाद उसे एंटर करोगे। गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने एंटर करा, यहाँ पे एरर एस्टेब्लिशिंग ए डाटाबेस देखने को मिलेगी। तो सिंपल यहाँ पे हम लोगों ने जो डाटाबेस के नेम जो कि है अल्टरनेटिव डाल दिए थे, तो हम लोग अभी सिंपल उसे चेंज करेंगे। ओके, हम लोगों ने जो क्रिएट करा था, तो यहाँ पे माई साइट क्रिएट करा था। ओके, बट यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि हमारा जो यहाँ पे जो फाइल था लाइव डेमो था। ओके, तो सिंपल मुझे कुछ एरर आ गया था, ऐसे तो हो जाती है कभी, बहुत बार हो जाती है कि अगर यहाँ पे अलग नेम ही और यहाँ पे अलग नेम होती है तो हो जाती है, काम हो जाती है। बट अगर आप लोगों को इस तरह की अगर प्रॉब्लम आती है ना, तो आप लोग को सिंपल क्या करना पड़ेगा, आप लोग को न्यू के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे न्यू के ऊपर क्लिक करोगे ना, आपके सामने फिर से ये जो डाटाबेस नेम क्रिएट करने के ऑप्शन आ जाएंगे, और सिंपल जो भी फाइल यहाँ पे आप लोगों ने क्रिएट करी है, हम लोगों ने जो क्रिएट करा था लाइव डेमो, ये जो फोल्डर हम लोगों ने क्रिएट करा था, उसी सेम नाम को यहाँ पे मैं ऐड करा। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लाइव डेमो ऐड करके मैं यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगी, तो आपकी जो प्रॉब्लम होगी ना वो सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो अभी आप लोग क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे आप लोग की जो लैंग्वेज आप लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो सिंपल आप लोग इंग्लिश को सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग की साइट की जो टाइटल क्या रखना चाहते हो, बेसिकली जो भी चाहो रख सकते हो, आपकी साइट के मुताबिक आपकी साइट के नेम यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हो। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ जो कि है एफिलिएट, मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर दिया जो कि साइट टाइटल एफिलिएट्स। और यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैं यूजर नेम के वो यहाँ पे एडमिन रखता हूँ। ओके, और आप खुद की यूजर नेम रखो, एडमिन वगैरह मत रखो, जो कि ये सिक्योर तो नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा। मैं आप लोगों को डेमो दिखा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे एडमिन ऐड कर रहा हूँ। जो भी आप लोग को सिक्योर चीज़ यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप लोग आपके नाम यूजर नेम आप चूज खुद कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आपकी हिसाब से आप लोग पासवर्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग ईमेल आईडी एक यहाँ पे ऐड करोगी। ओके, यहाँ पे एक ईमेल आईडी ऐड करोगी और ईमेल। तो जैसे ईमेल आईडी ऐड करोगी ना, तो यहाँ पे आप लोग ये जो बॉक्स होगा उसे चाहो तो क्लिक करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग हमारी जो साइट को हम लोग रन करने वाले हैं हमारे लोकल होस्ट के अंदर। आप लोग ठीक करना चाहो तो कर सकते हो बेसिकली, नहीं तो नहीं। ओके, उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऑप्शन देखने को मिलेगी। सिंपल इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो आपका जो वर्डप्रेस है ना वो इंस्टॉल होने लगेगा। ओके, जो कि लेटेस्ट वर्जन की वर्डप्रेस है ना वो इंस्टॉल हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी जो वर्डप्रेस ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है, और यहाँ पे सक्सेस देखने को आप लोग को मिल रहा होगा। और यहाँ पे यूजर नेम यहाँ पे आप लोग एडमिन रख सकते हो, एडमिन हम लोगों ने ऐड करा था, और पासवर्ड हम लोगों ने जो पासवर्ड चूज करा था वही सेम पासवर्ड यहाँ पे ऐड हो चुकी है। यहाँ पे सिंपल लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे,
तो जैसे लॉग इन के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके आईडी और पासवर्ड यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगी। और सिंपल लॉग इन के ऊपर मैंने क्लिक करा, तो जैसे ही लॉग इन के ऊपर मैंने क्लिक करा, हमारा जो वर्डप्रेस है ऑलरेडी तो इंस्टॉल हो चुकी है, हम लोग हमारे डैशबोर्ड के अंदर चले जाएंगे। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो साइट को हम लोग अभी विजिट करेंगे। पहले यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो यहाँ पे यूआरएल है लोकल होस्ट स्लैश लाइव डेमो, हम लोगों ने जो अभी फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करा था, यहाँ पे देखो वही सेम फोल्डर की नेम यहाँ पे यूआरएल जैसे काम कर रही है। ओके, ये लोकल होस्ट है इसीलिए आपकी जो यूआरएल होगा आपकी फोल्डर के हिसाब से ही यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगी। तो सिंपली ये कंप्लीट चीज़ें हो चुकी है। अभी आप लोग जैसे चीज़ करते हो आप लोग की वर्डप्रेस के अंदर, इस तरह से आप लोग सारी की सारी चीज़ें कर सकते हो जो कि विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ आप लोग कर सकते हो। बेसिकली देखो यहाँ पे मैं मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन में यहाँ पे कट कर रहा हूँ। ओके, जो डिसकनेक्ट करा, अभी हम लोग का जो इंटरनेट कनेक्शन कट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे google.com सर्च करता हूँ, google.com भी सर्च करता हूँ, तो ये ओपन नहीं हो रहा, नो इंटरनेट। बट अगर यहाँ पे मैंने देखो पोस्ट के ऊपर क्लिक करा, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो ये आप लोग की जो मतलब साइड है ना वो वर्किंग मोड पर है, जो कि हम लोग की लोकल होस्टिंग पर ये काम कर रहा है ना। तो आप लोग की साइट आप लोग खुद यूज कर सकते हो, होस्ट कर सकते हो वेरी इजीली। अगर आपकी क्लाइंट की वेबसाइट डिज़ाइन करना हो, आपकी खुद की वेबसाइट डिज़ाइन करना हो, खुद की वेबसाइट को कस्टमाइज करना हो, सारी की सारी काम यहाँ पे कर सकते हो आप बेसिकली। तो उसके बारे में और एक डेडिकेटेड मैं वीडियो लाऊंगा कैसे आप लोग उसे लाइव कर सकते हो, जो कि आप लोग की इंटरनेट इंटरनेट में गूगल के अंदर उसे लाइव कर सकते हो। उसके बारे में मैं आप लोग को कंप्लीट वीडियो देने वाला हूँ। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो चैनल को जल्दी जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करो, क्योंकि हम लोग आपके लिए हर दिन एक इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।